संपूर्ण खबर को आसवा जम्मू काश्मीर कारागार दायित्व में पुलिस महानिर्देशक हेमंत के लोहिया हत्या जम्मू में बास्तवन में हत्या कर पचर घर सहायक सामिल थवर अनुमान सहायक ना जशीर घटना पर से निखोज हो धरने प्रयास चली पुलिस महानिर्देशक दिलबाग सिंह घटना को अति दुर्भाग्यजनक मृत डीजी लोहिया हत्या करी संदेह कर सहायक जशीर लोहिया मृत शरीर को पोड़ी देवा लगी उद्यम कर मृतदेहर गला कटा जा देखा मिली अनेपटे आतंकवादी संगठन पीपुल्स आंटी फासिस्ट फोर्स ही हत्या लगी निजक दायी कर तेब ही घटना पचरे कौन से आतंकवादी संगठन थिबा नहीं पुलिस जाए स्पष्ट करेनी। जो गुरुत्वपूर्ण खबर कि जम्मू काश्मीर कारागार दायित्व में पुलिस महानिर्देशक हेमंत के लोहिया हत्या कर पुलिस डीजी को निर्मम भाव में हत्या कर जम्मू में बास्तवन में विभत्स भाव में हत्या कर पचरे घर सहायक सामिल थवर अनुमान सहायक ना जशीर ए घटना पर से निखोज हो धरवाई प्रयास चली पुलिस महानिर्देशक दिलबाग सिंह यह अति दुर्भाग्यजनक मृत डीजी लोहिया हत्याकारी संदेह कर सहायक जशीर लोहिया मृत शरीर को पोड़ी देवा लगी उद्यम कर मृतदेहर गला कटा जा देखा मिली अनेपटे आतंकवादी संगठन पीपुल्स आंटी फासिस्ट फोर्स हत्या लगी निजक दायी कर तेज घटना पचरे कौन से आतंकवादी संगठन थी नहीं पुलिस वर्तमान सुधा किसी स्पष्ट करनी पुलिस विभिन्न दिगक नहीं छानबीन को जोरदार कर कोई पता चला क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई पता चला? नहीं, मैं शोर ऊपर से नीचे से आवाज़ें आने लगी। अच्छा, तो मैं राजीव सर आवाज़ मारने लगी तो मैं घबरा गया, मैं नीचे आ गया, मैं ऊपर खाने लगा। तो यहाँ आप रहते हो, यहीं रहते हो? नहीं, इधर काम करते हैं। काम करते हैं? तो कौन कौन था यहाँ? इधर मैं और वही था। कौन? वो लड़का जो भागा। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं, उसने बोला मेरे को तेजा ऊपर खाना खाने के लिए। अच्छा, खाना खाने मैं गया ऊपर तो बोल रहा था 10 मिनट खाना खाने के बाद 10 मिनट मैं तो नीचे में देर को दरवाज़ा खोल लूँगा। मैं आया अभी आ ही रहा था पानी की बोतल भर के, अभी आ ही रहा था नीचे तो उसने बोला बस मैं पानी बोल नीचे अभी आ ही रहा था तब तक राजू सर की आवाज़ आती है, मैं फ़ोन क्यों उठा रहा राजू राजू ऐसे ऐसे करने लगे तो मैं घबरा गया। नीचे आया, नीचे आके देखा तो कमरे में आग की लकड़ी से वो आग लगी थी। आग लगी, फिर आपने क्या किया? हमने कि दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। दरवाजा बंद था क्या सर? हाँ, फिर वो राजीव सर आए, फिर हमने कुछ दरवाजा किसी प्रकार भी तोड़ा तो अंदर पड़े थे सर। उससे पहले जब आप इकट्ठे थे तब क्या हुआ? इकट्ठे सर कुछ नहीं, फिर उस टाइम क्या बात होती थी? उस टाइम नहीं सर होगा कुछ। कितने समय कितने बजे का? कुछ नहीं, समय होगा कहीं 10 बजे से ऊपर ही। 10 बजे के बाद कितने बजे आए थे वो घर पे? वो गए सर डीजी भी साहब, कितने बजे आए थे? ये तो आए थे कहीं 7 बजे। और भी लोग थे उनके साथ? कुछ उनके पास उनके साथ से गाड़ी वाले वो आते होंगे सिक्योरिटी वाले, वो पहुंचा के चले गए। जम्मू के उदयवाला इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब डीजी प्रिजन एचके लोहिया की जो शव है वो एक उनके दोस्त के घर पर बरामद हुआ। यही वो घर है जहां पर एचके लोहिया का जो शव है वो बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि उनका जो शव है उसमें तेज़धार हथियारों से हमला किया गया था और अभी का जो अपडेट है उसके मुताबिक जो उनका नौकर था वो फ़िलहाल के लिए फरार बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच कर लगातार तफ्तीश भी कर रहे हैं। डीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह खुद यहां पर पहुंचे, इसके अलावा विभिन्न अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंचे। और लगातार आपको बता दें कि यहां पर इस घर की अगर हम बात करें तो इस घर में ये पूरा मामला वारदात जो है वो यहां पर हुई है और उसके बाद से लेकर लगातार तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस फॉरेंसिक की टीम भी यहां पर पहुंच कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पूरा वाकया हुआ। अभी तक के अपडेट के मुताबिक जो अनऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से हमें खबर मिली है जो एब्सकॉन्डिंग जो लड़का है जो डोमेस्टिक
भी बताया जा रहा है, उसका नाम यासिर है और वो रामबन का रहने वाला है, जो कि फिलहाल के लिए फरार है। और जिनके घर में एच के लोहिया डी जी प्रिजन रह रहे थे, वो जो घर है वो बताया जा रहा है उनके एक फ्रेंड का है, जो कि एक एन जी ओ भी यहाँ पर चलाते थे। और लगातार आपको बता दें कि जो है उनकी फैमिली, दोनों फैमिलियाँ जो हैं यहीं पर मौजूद थी, और एक कमरे में जो है वो उनका शव पाया गया, और काफ़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में। और बताया जा रहा है कि जो अनऑफिशियल सोर्सेज के वाले से खबर आ रही है कि एक कांच की बोतल से जो है वो यहाँ पर हमला किया गया है। और इस इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो आसपास के इलाके हैं उनको तफ्तीश कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पूरा वाकया हुआ था, क्योंकि ये डी जी प्रिजन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजिशन पर जो है वो एच के लोहिया थे। और लगातार अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक काफ़ी सीनियर ऑफिशियल, उनकी इस तरह से उनका मर्डर होना और उसके बाद उस नौकर का भाग जाना, काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो इनकी मौत पर जो है वो खड़े होते हैं। क्या ऐसे कारण बने कि इतने बड़ा पोजिशन पर एक व्यक्ति जो है उसका मर्डर हो जाता है, और लगातार उसको लेकर अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तलाशी कर रही है। और परिवार की बात करें तो पूरी तरह से सदमे में है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। इस घटना से हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि हेमंत कुमार लोहिया काफ़ी टॉप कॉप जो जम्मू कश्मीर के कई अहम पोजीशन पे काम कर चुके हैं वो, और उनकी इस तरह से निर्मम हत्या कर होना तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज़ है। और आपको बता दूं कि एसएसपी जम्मू चंदन कोहली भी उसके साथ पहुंचे थे, और यहाँ उनकी डेड बॉडी को अब मॉर्चरी में रखा गया है, जहाँ पे डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो गठित कर दी गई है, जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगी और कई तथ्य जो है वो सामने आएंगे। लेकिन जो अपडेट है इस केस में वो ये है कि जो एक डोमेस्टिक हेल्प हेमंत कुमार लोहिया की, जो यासिर जिसका नाम बताया जाता है और रामबन का रहने वाला है, वो एब्सकॉन्डिंग है। और बताया जाता है कि यासिर ने एक ग्लास बोतल का इस्तेमाल किया है इस हत्या करने के लिए, और उसके बाद से ही उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। कई टीम्स भी गठित हो चुकी हैं जो यासिर की तलाश में लग चुकी हैं, और कोशिश यही है कि इस केस की गुत्थी को जल्द से सुलझा लिया जाए, यासिर को पकड़ा जाए, तभी यह मालूम हो पाएगा कि क्यों उसने इस तरह की जो है निर्मम हत्या जो है डीजी प्रिजन की है, क्या उसके पीछे उसका मोटिव था, ये सब कुछ तफ्तीश के बाद मालूम होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरुआत उसकी हो चुकी है, और कोशिश यही है कि यासिर को जल्द से जल्द पकड़ के इस केस को सॉल्व किया जाए। साथी रिपोर्टर राजेंद्र टिक्कू के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।